हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और आप लोग भी अपने काम में व्यस्त होंगे। और आज खास संडे है और तारीख डेट जो है वो 10 सितंबर है। और संडे जो होता है वो हम लेडी लोगों के लिए एक विशेष डे होता है काम करने का। मतलब क्या खास डे होता है जिसमें काम कुछ ज़्यादा ही होता है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा होता है। तो आज क्या है तो संडे, बट मेरे पास उतना ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि कल था सैटरडे और कल सैटरडे को भी छुट्टी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की सैटरडे को भी छुट्टी होती है। तो जो काम था थोड़ा बहुत ऐसा वो मैं सैटरडे को भी कर चुकी हूँ और शुक्रवार को भी मैं कर चुकी हूँ। तो उतना ज़्यादा मुझे संडे को काम नहीं है। तो चलिए फिर भी मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करती हूँ संडे स्पेशल ब्लॉग, क्योंकि संडे को हम लोग जाते हैं मंदिर नहा धो करके। मेरा मतलब एक अपना जो वो है नियम है जो मैं संडे को मंदिर जाती हूँ। तो सुबह सुबह उठी हूँ, बस मैं उठी हूँ और मेरी बच्ची और मेरे हस्बैंड दोनों सो रहे हैं और मैं अपने काम पे अभी लग जाऊंगी फटाफट से और जाऊंगी मंदिर। तो बने रहिए मेरे इस आज के ब्लॉग में, शेयर करूंगी आप लोग के साथ अपना संडे रूटीन आज का। और अभी टाइम हो रहा है कितना, बिल्कुल भी सुबह नहीं है। अभी टाइम हो रहा है 7:15, यानी कि 6:40 हो गई है, 5 मिनट की देरी है। तो अभी जो थोड़ा बहुत काम है झाड़ू वगैरह वो सब करेंगे और इसके बाद नहाएंगे धोएंगे चलेंगे मंदिर। तो चलिए आप लोग को भी ले चलते हैं मंदिर काफ़ी दिनों के बाद। और काफ़ी दिनों के बाद ये संडे का घर का ब्लॉग है क्योंकि मैं हम लोग संडे को अक्सर कहीं ना कहीं चले ही गए मम्मी जब थी उस टाइम। तो थोड़ा बहुत जो भी हम लोग शेयर किए तो कुछ ट्रिप रहा होगा तो शेयर किए हैं। और आज जो है आज हम लोग घर ही पे हैं और आज मतलब ऐसा कोई ट्रिप पे नहीं गए हैं। हाँ, जैसे कि मार्केट वगैरह संडे है तो हो सकता है कि जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट ऐसा कोई ट्रिप नहीं है। आज घर पे हैं हम लोग, आराम से नहाएंगे धोएंगे मंदिर चलेंगे नाश्ता करेंगे और देखिए संडे स्पेशल ब्लॉग कैसा होता है। तो फिलहाल तो रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, भर रात बारिश होते ही रह गई। और अभी मौसम ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा धूप खिला है और मौसम ठीक है, हवा चल रही है। तो चलिए फटाफट से हम अपना काम कर लेते हैं और फिर नहा धो के तैयार होते हैं, ठीक है। हे गाइस, तो यहाँ पे मेरे चावल ख़त्म हो गए थे डिब्बे में, तो सोची मैं चावल परट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चावल रख रही हूँ क्योंकि इसी में थोड़ा सा चावल मैं निकालती हूँ, लगभग 5-6 किलो लगभग चावल इसमें आता है। तो उतना चावल हम इसमें निकाल लेते हैं, फिर चलता है फिर निकालते हैं। तो ये चावल जो हम खाते हैं इस टाइम, ये गांव से ही चावल लाते हैं, उष्णा बोलते हैं इसे, क्योंकि अरवा जो चावल होता है उसमें थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम होता है, इस वजह से अरवा चावल ही मतलब उष्णा चावल ही हम लोग खाते हैं। जब मौका मिलता है तो हम लोग जाते हैं तो 1-2 पैकेट ले आते हैं, तो वही चलते रहता है, फिर कभी जाते हैं तो ले आते हैं। वैसे भी हम लोग गांव ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम बाद जाते हैं, साल में 1-2 बार चले ही जाते हैं, तो आता है तो हो जाता है। और ये चावल पलटते पलटते अचानक से मुझे एक चावल का पैकेट मिला, जैसे लगा क्या मिला, इतनी खुशी हुई मुझे। तो कुछ ऐसा नहीं है, वो बासमती राइस था, वो सेम ही कंपनी का, वो प्रचार के लिए दिया था रिपुराज का, ये मेरा चावल था तो वही रिपुराज का एक छोटा सा 500 ग्राम का उसमें बासमती राइस दिया था गिफ्ट के तौर पे। हो सकता है प्रचार हो, जो भी हो, तो वो मुझे मिला तो उसे मैं रख ली और चावल यहाँ पे रख दूँगी। और कुछ कपड़े हैं जो कि मैं कल धुली थी, कल सैटरडे था तो कल धुली थी तो सूख गए हैं। तो सोची मच्छरदानी है जो कि मम्मी थी तो लगाती थी, मम्मी चली गई तो उसको मैं धुल के रख दी। एक पापा आए थे तो निकाला गया था, तो उस पहले से भी थोड़ा बहुत गंदा था तो मैं सोची धुल ही देती हूँ दोनों को साथ में और रख दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना पानी एक गिलास लेके बैठी हूँ पीने के लिए सुबह सुबह। पहले तो मैं गर्म पानी पीती थी लेकिन अभी किसी ने बताया कि सुबह सुबह गर्म पानी मत पिया करिए, तो इस वजह से मैं ठंडा पानी ही पी, नॉर्मल जो होता है।
उसके बाद मैं चली गई पूजा का बर्तन धुलने के लिए। पूजा का बर्तन धुलने के बाद मैं सीधा चली जाऊंगी नहाने के लिए, और सब काम मेरा हो चुका है टोटल। हे गाइस, तो हम नहा लिए हैं और लल्ला भी नहा लिया है, श्रेया नहा रही है, सब लोग उठ गए और मैं नहा के आ गई हूँ। और बाल धोना था, ऐसे भी संडे को धो ही लेती हूँ बाल, हाँ फुर्सत में रहती हूँ तो धो ही लेती हूँ। तो और श्रेया लल्ला भी अपना तैयार हो गया। क्या लल्ला तैयार हो गया? हाँ। अब दिखाओ इधर, लल्ला तैयार हो गया नहा के। सबसे पहले मेरा लल्ला ही तैयार हो जाता है, पतला दुबला सा है और ये अपना फुर्ती से कर लेता है। ये मेरा लल्ला रहा, एकदम पतला दुबला सा है लेकिन इसके शरीर में ना बहुत ही ज़्यादा फुर्ती है। ये जल्दी से उठेगा, ब्रश करेगा, फट से नहा लेगा अपने से और ये तैयार हो गया। मंदिर जाना है? हाँ। तुम भी जाएगा? हाँ। अच्छा, ब्लू कलर का है। अच्छा, ब्लू कलर का तुम्हारा ब्रश है? दीदा ग्रीन कलर का। दीदा का ग्रीन है? हाँ। अच्छा, बारे बा, ब्रश का कलर भी मेरे लल्ला को याद रहता है ना। तो चलिए मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और टाइम भी काफ़ी हो गया, टाइम हो गया है 9:15, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम करते करते हो ही जाता था। सबसे क्या हुआ ना मेरे साथ, मैं बताती हूँ अभी आप लोग को, शायद आप लोग को सुन के हंसी आएगी लेकिन कभी कभी हो जाता है। मेरा ना दोनों का दोनों झाड़ू भीग गया, क्योंकि मैं उधर बालकनी में रखी थी झाड़ू और शाम को बारिश नहीं हुई और रात में एकाएक बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, और झाड़ू को हम साइड में ही रखे थे कि वो भीगे ना, बट इधर से जो इतना तेज वो जो पानी का बौछार आया, मेरा दोनों का दोनों झाड़ू भीग गया। अब मैं झाड़ू कैसे लगाऊंगी? पूरा भीगा हुआ झाड़ू था और वो झाड़ू अगर भीग जाता है तो कोई काम का नहीं होता। तो मैं झाड़ू नहीं लगाई, मैं डायरेक्ट पोछा ही लगाई, तो मुझे डबल पोछा लगाना पड़ा। एक बार तो मैं इस कूड़ा कूड़ा को समेटते हुए ले गई और फिर एक बार फाइनल पोछा लगाई, तो उसमें हमको थोड़ा सा टाइम लग गया। होता है कभी कभी, शायद आप लोग के साथ भी ऐसा कोई मुसीबत आता हो। मेरे साथ ये चीज़ पहली बार हुआ है कि मेरा झाड़ू भीग गया और मैं झाड़ू के बजाय पोछा लगा लगा के साफ की हूँ ऐसा। तो चलिए, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो और सभी लोग सोए हुए थे तो मैं शांति से जल्दी जल्दी जो भी काम करना था वो कर ली हूँ। मशीन में कपड़ा डाली हूँ जो आज का कपड़ा है, तो अभी मैं उसको लगा दूंगी, वो धीरे धीरे धुल जाएगा। तो अभी चलिए फटाफट से तैयार होकर चलते हैं मंदिर। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर पहुँच गए और यहाँ पे पूजा कर रहा है, तो लल्ला थोड़ा सा आगे ही रहता है पूजा करने में, तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले दुर्गा जी हैं, मतलब मेन जो मंदिर है वो दुर्गा जी का ही है, और साइड से सभी देवी देवता हैं यहाँ पे, जैसे शंकर जी, उसके बाद साईं बाबा, उसके बाद हनुमान जी, सभी हैं, लेकिन मेन जो है वो दुर्गा मंदिर के नाम से ही। इस वजह से दुर्गा जी का जो फोटो मतलब प्रतिमा बना है वो थोड़ा सा बड़ा सा है। तो यहाँ पे हम लोग पूजा किए और ज़्यादातर मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि उतना मतलब वो नहीं था, काफ़ी लोग थे मंदिर पे और हम लोग पूजा करने में थे, तो सोची थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पूजा किए, श्रेया भी पूजा की, बउआ भी किया, सभी लोग पूजा किए। और यहाँ बगल में ना कृष्ण जी का वो सजाया हुआ था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम आ गए हैं किचन में और यहाँ पे खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर रहे हैं, क्योंकि टाइम हो गया काफी और संडे को तो एकदम पता ही है कि लेट हो जाता है हर एक ही संडे को। तो यहाँ पे हम उसकी दाल चढ़ा रहे हैं। हाँ, तो अभी दाल चढ़ाते हैं और अभी बच्चा लोग बिस्किट वगैरह सब खाया है, और अभी मेरे हस्बैंड मेरे पति देव जा रहे हैं समोसा लाने के लिए, बाहर से समोसा वमोसा लेके आएंगे, तो वो हम लोग थोड़ा बहुत खा लेंगे, उसके बाद खाना यहाँ पे, तब तक हम चढ़ा देते हैं दाल चावल और भुजिया बनाएंगे, सिंपल सा खाना। तो चलिए दाल चढ़ा देते हैं।
अच्छी अरहर और मसूर, अरहर और मसूर की भी दाल अच्छी होती है, आप लोग ट्राई करिएगा कभी। ऐसे मूंग और मसूर भी बहुत अच्छा होता है, हमको बहुत पसंद है मूंग और मसूर की दाल, तो कभी कभी मैं मूंग और मसूर की भी बनाती हूँ और अरहर भी बनाती हूँ, मतलब चेंज करके थोड़ा बहुत बनाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अरहर दाल ही डेली खाएंगे, ऐसा नहीं। तो आज हम अरहर और मसूर बनाएंगे, चलिए दाल चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुकर में थोड़ा सा तेल डाली, उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाल दी, क्योंकि बाद में वो छोंकने का जो सिस्टम है ना वो मुझे सही नहीं लगता, तो इस वजह से मैं पहले ही डाल देती हूँ। और मैं सिंपल सी दाल बनाती हूँ, बच्चे हैं मेरे घर में इस वजह से। और अरहर का तो मैं ऐसे ही डाल दी, और मसूर का दाल जो पाउडर मिला हुआ तो उसे मैं धुल के डाल। नाश्ता आ गया है और हम लोग नाश्ता करेंगे। गए थे समोसा लाने के लिए और लेके आए लिट्टी और चोखा, जो यूपी का और बिहार का फेमस डिश है, और दिखाते हैं अभी आप लोग को मार्केट का लिट्टी और चोखा। वैसे तो जब भी खाना होता है तो घर ही में बन जाता है, बट अभी आया है मार्केट, देखते हैं कैसा है। तो यही लिट्टी और चोखा लेके आए थे, जो कि यूपी में बहुत ही ज़्यादा मिलता है, और देखते हैं आज दुकान का कैसा होता है, टेस्टी होता है या नहीं। वैसे घर का तो आंटी लोग बनाती हैं तो खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, लिट्टी चोखा चटनी और अचार। अच्छा, तो यहाँ पे खाना पीना हो गया और मेरा कपड़ा भी धुल चुका था, तो मैं आ गई छत पे कपड़ा फैलाने के लिए, क्योंकि मैं अभी बारिश जैसा मौसम बना था तो बार बार बारिश आती है जाती है, इस वजह से मैं सोची छत पे फैला दूँगी, थोड़ा देर भी धूप लगेगा तो सूख जाएगा, नहीं तो बालकनी में जल्दी सूखता नहीं है, तो उस कपड़ा को मुझे बहुत ज़्यादा हेर फेर करना पड़ता है, इस वजह से छत पर डाल दी। ठीक है, तो कपड़ा वपड़ा हम छत से डाला है, मेरा खाना भी बन चुका है, और खाना में दाल चावल भुजिया जो कि आप लोग को बताए थे वो मैं बना चुकी हूँ, और कपड़े भी मैं डाल आई हूँ छत पे धूप में, क्योंकि बारिश जैसा मौसम बना रहा है, और मैं बालकनी में डालूँगी तो हो सकता है सूखे या ना सूखे, इस वजह से मैं सोची दे देती हूँ, हो जाएगा। तो यहाँ खाना देर भी जगह बन चुका है, ये भुजिया यहाँ पे हम बनाए हैं, और ये मेरा दूध भी उबल चुका है, इसमें चावल हो गया है, और ये दाल तो हम तभी बनाई थी, ये दाल तो बन चुका है। और मेरे हस्बैंड और लल्ला और श्रेया बाल मतलब कटवाने गए हुए हैं, वो लोग लल्ला को और मतलब मेरे हस्बैंड को बाल कटवाना था, संडे था तो सुबह मंदिर जाने की जल्दी में नहीं हो पाती है, इसलिए अभी गए हैं। और मेरे हस्बैंड पहले ही गए थे, वो नंबर मतलब लेना पड़ता है उसके लिए, फिर श्रेया के साथ बउआ को फ़ोन किए तो मैं भेज दी, तो एक बज गया है, बट अभी हम लोग का खाना पीना नहीं हुआ है, तो वो लोग बाल कटवा के आएंगे तभी खाना पीना खाएंगे। और एक और बात बताऊँ आप लोग को सीक्रेट, मेरे घर में ना आज बहुत दिनों के बाद टीवी रिचार्ज हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, जिसमें कि वो दे रहा है कौन सा मूवी है, विवाह, और मेरा फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है, तो ये चल रहा है, अभी कार्टून चल रहा था, बच्चे देख रहा था, और अभी वो लोग चला गया तो मैं इसको चेंज कर दी हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद दिसंबर में जो मेरे घर में वो आग लगा था और टीवी का वो तार वगैरह सब जल गया था, उसके बाद सेटअप बॉक्स खोल कर रखाया था, सो रखाया ही था, नवंबर में, यानी कि 9-10 महीने बाद मेरे घर में टीवी चला है ना, आश्चर्य, क्योंकि हम लोग उतना देखते भी नहीं थे तो उतना इंटरेस्ट भी नहीं था, बट बहुत दिन हो गया, तो आज मैं बोली कि एक बार टीवी रिचार्ज गई, बहुत दिन हो गया, बच्चे भी बोल रहे थे कि मोटू पतलू, तो चलो मोटू पतलू देखो, और मेरा भी देख लीजिए आप लोग, आईब्रो कितना बड़ा हो गया है ना, मैं भी आज जाऊँगी बनवाने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ निकलने के आसपास से, मैं नहीं जा रही हूँ, कितना जैसे क्रूर जी जैसे लग रहा है ना। तो चलिए खाना पीना खाते हैं और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉग हो जाएगा लंबा, तो एक बार उतना लंबा ब्लॉग मैं नहीं डालूंगी, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करिए, कॉमेंट करिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके करता मचा दीजिए, और मैं ऐसे ही वीडियो डालते रहूँगी।
बाय बाय।